मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम शीला होता है। शीला जो कि एक बैंक में जॉब करती थी और रिसेंटली शीला की डिवोर्स हुई थी और अब वो अपने बेटे के साथ रहती थी। शीला को हमेशा ही अपने सीनियर से डांट पड़ती रहती थी, चाहे उसकी गलती होती थी या फिर नहीं होती थी, उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। अब क्योंकि घर को चलाने वाली वो अकेली ही थी इसीलिए उसे बेयर करना पड़ता था। अब क्योंकि वो अकेली होती है इसीलिए वो शादी करने के लिए न्यूज़पेपर में शादी का एड देखती है और एक पर्सन को अपनी पिक्चर्स भेजती है। फिर ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। फिर शीला काम में बिजी होती है और साथ साथ वो टीवी पर किसी शॉप की सेल का एड भी देखती है और ये सेल किसी गारमेंट्स की शॉप पर लगी थी। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो सेल सिर्फ एक स्पेसिफिक ड्रेस पर थी और वो ड्रेस शीला को काफी पसंद आता है और वो काफी अट्रैक्टिव भी था, इसीलिए वो भी डिसाइड करती है कि वो भी इस ड्रेस को परचेज करेगी। फिर शीला उसी शॉप में कपड़े परचेज करने के लिए जाती है। वहीं पर शीला उस शॉप की ऑनर से मिलती है जिसका नाम मिस लखमूर होता है। वो शीला को कहती है कि मैं शॉपिंग करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ ताकि आप अच्छी परचेजिंग करें, और वो शीला को अपने शॉप का सबसे खूबसूरत ड्रेस एक रेड कलर का ड्रेस दिखाती है। शीला को देखते ही वो ड्रेस काफी पसंद आ जाता है। शीला उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए जाती है। मिस लखमूर भी शीला को कहती है कि अगर तुम ये ड्रेस कहीं पर पहनकर जाओगी तो तुम हमेशा अपने उस दिन को याद रखोगी। ये बात सुनकर शीला एग्री हो जाती है वो ड्रेस परचेज करने के लिए और वो उस ड्रेस को परचेज कर लेती है। फिर शीला अपने घर पर आ जाती है जो वो ड्रेस पहनकर रेडी होकर अपने बेटे को कहती है कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ और अगर तुम्हें भूख लगे तो फ्रिज में डिनर पड़ा है, तुम वो बनाकर खा लेना। ये कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस लखमूर किसी को कॉल पर शीला का नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस दे रही होती है और लखमूर कुछ ब्लैक मैजिक भी कर रही होती है। शीला रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ जाकर वो उसी आदमी से मिलती है जिसे उसने अपनी पिक्चर सेंड की थी, लेकिन उस आदमी की नेचर काफी रूड थी। वो ठीक तरह से शीला से बात भी नहीं कर रहा था। हालांकि शीला उसे बुलाने की, उससे बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो शीला से बात नहीं करता। इसी वजह से शीला को काफी बुरा फील होता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है। शीला फौरन समझ जाती है कि ये आदमी मेरे लिए सुइटेबल नहीं है और उस आदमी को रिजेक्ट करके वो अपने घर पर आ जाती है। घर आकर शीला जब उस रेड ड्रेस को चेंज करती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पर रैशेज बन गए हैं, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इग्नोर कर देती है। शीला उस ड्रेस को वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज होने लगती है और वो ड्रेस तो मशीन में होता है तो इसीलिए मशीन में से अजीब तरह की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं और फिर वो मशीन ही टूट जाती है। ये देखकर शीला मशीन ऑफ करने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ ही कट जाता है जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। बैंक में एक बार फिर से शीला को डांट पड़ती है। उसे कहा जाता है कि आपका कस्टमर के साथ हैंडशेक करने का तरीका हमें पसंद नहीं है। तब उसकी इंसल्ट करने के लिए उसे एक पेज दिया जाता है जिस पर लिखा हुआ था कि किसी के साथ कैसे हैंडशेक किया जाता है। शीला को ये बात काफी बुरी लगती है, उसे अपनी काफी इंसल्ट फील होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, बल्कि वो सिर्फ ये कह देती है कि मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूंगी और नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत नहीं मिलेगी। फिर शीला ड्रेस का साइज चेंज करने के लिए उसी शॉप में जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये ड्रेस सिर्फ एक ही साइज में आया था, ना कि मल्टीपल साइजेस में। और उसे ये भी पता चलता है कि जिस मॉडल ने इस ड्रेस को पहनकर मॉडलिंग की थी उसकी भी डेथ हो गई थी। ये बात सुनकर शीला को काफी अफसोस भी होता है और काफी हैरानगी भी। इसके बाद शीला शादी के लिए एक और आदमी से मिलने जाती है, लेकिन इस आदमी की नेचर पहले वाले आदमी की निस्बत काफी अच्छी थी क्योंकि ये काफी खुशदिल इंसान था। वो शीला से बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसके साथ काफी बातें भी करता है। शीला को उसकी नेचर काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो इसी से ही शादी करेगी। घर पर शीला का बेटा और उसकी फीमेल फ्रेंड अकेले होते हैं और तभी वो रेड कलर की ड्रेस उस लड़की पर अटैक कर देती है। वो लड़की खुद को रिलैक्स करने के लिए ये सोच रही होती है कि ये तो मेरा कोई वहम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो डर जाती है, सहम जाती है। शीला और वो आदमी डांस कर रहे होते हैं और उन्हें एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और शीला उस आदमी को अपने इस रेड ड्रेस के बारे में बताती है। वो कहती है कि मुझे ये ड्रेस काफी अजीब लगता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ, तुम मुझे ये ड्रेस पहनकर दिखाओ क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम पे बहुत सूट करेगा। पहले पहले तो शीला से ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन फिर वो उस ड्रेस को पहन लेती है। फिर वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद शीला वो ड्रेस चेंज कर लेती है और उस ड्रेस को हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता हुआ देखते हैं। और रात को नेक्स्ट मॉर्निंग शीला और वो आदमी वॉक पर जाते हैं जहाँ पर एक डॉग शीला को काट लेता है जिससे शीला इंजर्ड हो जाती है और इसी बीच उसकी वो रेड कलर की ड्रेस फट जाती है। शीला और वो आदमी जब घर पर एक साथ होते हैं तब वहाँ पर शीला का बेटा आता है उसका वो रेड कलर का ड्रेस लेकर, और वो ड्रेस वो
अपनी मदर को यानी शीला को देता है, जिस पर शीला कहती है कि बेटा ये ड्रेस तो फट चुका है, इसे तुम डस्टबिन में फेंक दो। जिस पर उसका बेटा कहता है कि नहीं मॉम, ये नहीं फटी, देखिए बिल्कुल ठीक है। तब शीला का बेटा उसे वो ड्रेस दिखाता है। शीला दिखती है कि वो ड्रेस तो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल न्यू लग रहा है। ये देखकर वो काफी हैरान रह जाती है क्योंकि वो ड्रेस काफी ज्यादा फट गया था, लेकिन अब तो उसकी हालत एकदम नई लग रही थी। शीला उस ड्रेस को वापस करने के लिए उसे शॉप में जाती है, लेकिन लकमोर उस ड्रेस को वापस लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि इस ड्रेस की वापसी नहीं थी, इसीलिए सॉरी मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती। इसीलिए शीला को वो ड्रेस वापस ले जाना पड़ता है। फिर शीला और वो आदमी डिसाइड करते हैं कि आज रात वो एक साथ ही रहेंगे। शीला ये बात अपने बेटे को बता कर चली जाती है, लेकिन रास्ते में ही वो ड्रेस उसके सूटकेस से बाहर निकल जाता है और हवा में फ्लाई करने लगता है। लेकिन तभी शीला को रास्ते में एक डमी खड़ी हुई दिखाई देती है। तब शीला एकदम से ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट की वजह से शीला की मौत हो जाती है। शीला की डेथ के बारे में पुलिस उसके बेटे को इन्फॉर्म करती है। इस इंसिडेंट की हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सेम वही ड्रेस एक शॉप में सेल होने के लिए आया है, जहां पर उस ड्रेस को एक मैकेनिक परचेज कर लेता है अपने फियांसे के लिए। इसके बाद वो मैकेनिक एक पार्टी में चला जाता है और वो काफी भोला भाला था। पार्टी में उस मैकेनिक के दोस्त उसे बहुत ज्यादा शराब पिला देते हैं और उसे काफी इंसिस्ट किया जाता है इस रेड ड्रेस को पहनने के लिए, और वो मैकेनिक उस ड्रेस को पहन भी लेता है। तब वो सारे उसे तंग करने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे वोमिट होती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उस मैकेनिक को होश आता है, तब उसकी फियांसी उसे मिलने आती है, और यहाँ पर हम उस मैकेनिक की बॉडी पर सेम वैसे ही रैशेस देखते हैं जिनसे हमने शीला की बॉडी पर भी देखे थे, और ये वो रेड ड्रेस पहनने की वजह से बने थे। फिर उस मैकेनिक को बिना वजह अपने बॉस से डांट पड़ती है, सेम वैसे ही जैसे शीला को पड़ा करती थी। फिर वो मैकेनिक एक लेडी के घर में मशीन रिपेयर करने जाता है, जहाँ पर वो लेडी उस मैकेनिक को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को जब वो मैकेनिक और उसकी फियांसी सो रहे होते हैं, तब वो ड्रेस हवा में फ्लाई करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ड्रेस उन्हें देख रहा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग उस मैकेनिक की फियांसी वो ड्रेस उसे पहन कर दिखाती है, और वो ड्रेस उस लड़की को भी बिल्कुल फिट आ जाती है, और बाद में उसे वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। फिर उस मैकेनिक की फियांसी और ज्यादा ड्रेस परचेज करने के लिए उसे शॉप में जाती है। घर वापस आने पर वो देखते हैं कि उनकी वॉशिंग मशीन पूरी तरह टूट चुकी है और सब कपड़े बिखरे होते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर ये क्या हुआ है, लेकिन वो लड़की ड्रेस को सूखने के लिए लटका देती है और वो मैकेनिक मशीन को रिपेयर करने लगता है। फिर अगले दिन उस मैकेनिक को जॉब से ही निकाल दिया जाता है, वो भी बिना वजह। अब क्योंकि उस मैकेनिक के पास जॉब नहीं थी, लेकिन उसने अपने फियांसे को आउटिंग पर लेकर जाना था, इसीलिए वो लोन लेने के लिए उसी बैंक में जाता है जहाँ पर शीला जॉब करती थी, जहाँ पर शीला के सीनियर्स उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें जॉब दे देंगे, लोन नहीं देंगे। जब वो मैकेनिक देखता है कि यहाँ से पैसे नहीं मिलने वाले, तो वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो मैकेनिक टीवी देखने लगता है, और वो टीवी में उसी शॉप की एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, जबकि उसकी फियांसी कपड़े परचेज करने के लिए उसी शॉप में होती है, जिस पर लकमोर उसे कहती है कि स्टोर का टाइम ऑफ होने वाला है, तो इसीलिए आप शॉपिंग नहीं कर सकती। तब ये दोनों आपस में बातें करने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शॉप का क्लर्क आ जाता है और वो लकमोर से बातें करने लगता है। तब लकमोर उस मैकेनिक की फियांसी को कहती है कि अब शॉप की टाइमिंग बढ़ा दी गई है, तो आप शॉपिंग कर सकती हैं। यहाँ पर मैकेनिक की फियांसी अपने नाइटमेयर के बारे में लकमोर को भी बताती है। वो कहती है कि मैंने अपने ड्रीम में देखा कि मैं इस शॉप की मॉडल हूँ, और मैं काफी लंबे लंबे ड्रेस पहनती गई और मेरा साइज छोटा होता गया, और फिर इस शॉप की वर्कर्स ने मुझे दफना दिया। लेकिन लकमोर उसकी बातों को मजाक में उड़ा देती है, लेकिन असल में लकमोर जानती थी कि वो कौन सी बात कर रही है। फिर शॉपिंग करने के दौरान जब उसकी फियांसी एक ड्रेस को चेंज कर रही होती है, तब उसकी अपनी ड्रेस खिसक कर बाहर चली जाती है। फिर जब एक कस्टमर उस ड्रेस को गिरा हुआ देखती है, तो वो एक हैंगर में उसे हैंग कर देती है, और फिर थोड़ी देर बाद वो ड्रेस एक हीटर पर गिर जाता है। जबकि बिलिंग के दौरान दो औरतों की काउंटर पर लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को मारने लगती है, और फिर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पर चोरियाँ होने लग जाती है। लूटमार के दौरान जिसके हाथ जो भी चीज लग रही थी वो उसे ले रहा था, और फिर हीटर पर गिरने की वजह से उस ड्रेस में आग लग जाती है। आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि पूरी शॉप जलने लगती है। मैकेनिक की फियांसी चेंजिंग रूम में अभी तक फंसी हुई थी, और मुसीबत की बात तो ये है कि उसके डोर का हैंडल भी टूट जाता है और आग उस चेंजिंग रूम तक भी आ जाती है, और
वो जलकर मर जाती है। दूसरी तरफ वो मैकेनिक किसी पॉइजनस गैस के लीक होने की वजह से मर जाता है, क्योंकि वो जो रेड ड्रेस था उसने मशीन की सेटिंग को खराब कर दिया था, जिसकी वजह से उस मशीन में से पॉइजनस गैस लीक होने लगती है और उस मैकेनिक की मौत का रीजन बनती है। उधर पूरी शॉप में आग लग चुकी थी। हम लकमोर को देखते हैं जो कि एक डमी के साथ लिफ्ट के जरिए नीचे जा रही थी, और जाते जाते वो उन सभी लोगों को देख पाती है जिनके पास कभी ना कभी ये ड्रेस था। सबसे पहले उसे वो मॉडल दिखाई देती है जिसने उस ड्रेस को पहनकर मॉडलिंग की और फिर वो मर गई। इसके बाद वो देखती है शीला को, और उसके बाद उस मैकेनिक को, और सबसे लास्ट में वो देखती है मैकेनिक की फियांसी को, और ये सारे लोग अपने खून से बने धागे से उस ड्रेस को सी रहे थे। लकमोर उन सब लोगों को देखकर काफी खुश हो जाती है, और वो आगे जाकर खाली पड़ी हुई मशीनों को भी देखती है, यानी उस जगह पर अभी कोई नहीं आया था, अभी वहाँ पर विक्टिम्स आने बाकी थे, और जाहिर है यहाँ पर वही लोग आएंगे जिनके पास वो ड्रेस जाएगा। इस खाली जगह पर बैठने वाले लोगों का लकमोर भी सब्री से इंतजार कर रही थी, और जाहिर है अभी बहुत सारे लोग बाकी थे जिन्होंने इस ड्रेस की लपेट में आना था। वो पूरी शॉप जल कर राख हो जाती है, और एक फायरमैन को वही रेड ड्रेस मिलती है, और वो ड्रेस बिल्कुल न्यू था, यानी ये ड्रेस अब किसी और के हाथों में जाएगा और उसे अपना विक्टिम बनाएगा। इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।